शिमला संसदीय सीट पर लोगों को बुद्ध बनाया जा रहा है, ये कहना है राष्ट्रवादी पार्टी के प्रत्याशी मनोज रघुवंशी का। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दोनों ही दल एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लगे हैं। बात यहीं तक रहती तब भी ठीक था, लेकिन अब दोनों ही दल मंच से जनता के बीच जाकर एक दूसरे को गालियां भी देने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। शिमला संसदीय सीट पर लोगों को बुद्धू बनाया जा रहा है, ये कहना है राष्ट्रवादी पार्टी के प्रत्याशी मनोज रघुवंशी का। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दोनों ही दल एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लगे हैं। बात यहीं तक नहीं रहती है तब भी ठीक था, लेकिन अब दोनों ही दल भरी जनता के बीच एक दूसरे को गालियां देने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों बड़े राजनीतिक दल सभी मर्यादाओं को लांघ चुके हैं, लेकिन हिमाचल की जनता के पास इनके अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने राष्ट्रवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। मनोज रघुवंशी ने कहा कि भाजपा के सांसद वीरेंद्र कश्यप ने एमपी के चुनाव लड़े तो उनके सगे भाई ने सोलन से विधायक का चुनाव लड़ा, तो उनके ससुर ने भी सोलन से विधायक का चुनाव लड़ा। अब सिरमौर से सुरेश कश्यप जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी इन्हीं के परिवार से हैं और इनके भाई लगते हैं। यानी कि भाजपा और कांग्रेस मतदाताओं को मूर्ख बना रही है। कांग्रेस हो या भाजपा, एक ही परिवार के इर्द गिर्द इनकी राजनीति चल रही है। उन्होंने कहा कि अब शिमला संसदीय सीट से लोगों को परिवारवाद से छुटकारा दिलवाने के लिए राष्ट्रवादी पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए मौका दिया है। उन्होंने संसदीय क्षेत्र के लोगों से आग्रह किया कि इस बार युवा को जिताकर संसद में भेजे ताकि वे क्षेत्र की समस्याओं का हल निकलवा सकें। वीरेंद्र कश्यप जो सांसद रहे, राजेश कश्यप जो उनके सगे भाई हैं वो एमएलए का चुनाव लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी से। सुरेश कश्यप जो इनके भाई हैं वो फिर दोबारा से चुनाव लड़ते हैं एमपी के चुनाव, और कांग्रेस से धनीराम शांडिल वो इनके ससुर हैं। क्या ये परिवारवाद नहीं है? हिमाचल की जनता, जैसा कि आपको पता है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों परिवारवाद में है, और हिमाचल की जनता एक तीसरे विकल्प को ढूंढ रही है जिसमें हम एक युवा चेहरा है भी हैं जो परिवारवाद से हटके कुछ देश के लिए और एक युवाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं और युवाओं की आवाज़ संसद तक ले जाना चाहते हैं, और मुझे सहयोग चाहिए सभी लोगों का ताकि हम संसद तक पहुंच सके और सभी लोगों की आवाज़ वहां तक पहुंचा सके। कार्यक्रम एक बार फिर से वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।